आपको कोई पैड नहीं लगाना है, आपको कोई रैशेज नहीं हो रहे हैं, और सबसे तीसरी जो बहुत ही क्या कहें इकोनॉमिकल बात है, उसको आप अंदर डाल देते हैं वजाइना में, उसके पीछे एक स्ट्रिंग लगी होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, एक मीडियम साइज होता है, इट इज़ मेंट फॉर दोज वुमेन जिनका इंटरकोर्स हुआ है लेकिन अभी तक कोई वजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है। फिर एक लार्ज साइज होता है, क्या आपकी वर्जिनिटी टैम्पॉन या हाइमन डालने से तो नहीं टूट जाएगी। सो सो टुडे एक्चुअली वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, माने आज हमारे पास तरह तरह के मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड्स हैं। आई मीन वी हैव लॉन्ग पैड्स, शॉर्ट पैड्स, नाइट पैड्स, डे पैड, फ्रेग्रेंस फ्री, एंटी बैक्टीरियल और क्या क्या। सो इतने टाइप के पैड्स हैं, देन वी हैव टैम्पॉन्स, एंड देन वी हैव मेंस्ट्रुअल कप, एंड नाउ वी हैव अ मेंस्ट्रुअल डिस्क ऑल्सो। सो मैं ये जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ द राइट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट फॉर मी, मतलब मेरे लिए सही क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए कि आपके लिए सही क्या है, आप किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एंड थोड़ी सी इस बारे में रिसर्च करिए, थोड़ा सा जानिए कि हर मेथड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल पैड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो इजीली अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहती हैं, आपको पैड तो बहुत आसानी से मिल ही जाएगा, उस पैड के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो आप चूज़ कर सकती हैं कि मुझे कौन सा चाहिए, डे चाहिए, नाइट चाहिए, एंटी बैक्टीरियल चाहिए, आजकल बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी आते हैं, तो आप जो आपको चाहिए या जो आपकी सिटी में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। नाउ वी ऑल्सो हैव टैम्पॉन्स। सो टैम्पॉन्स क्या होता है, एक छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूजली इट इज़ मेड अप ऑफ द कॉटन और मे बी रेयन और सम सिंथेटिक मटीरियल, उसको आप अंदर डाल देते हैं वजाइना में, उसके पीछे एक स्ट्रिंग लगी होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इट सोक्स द मेंस्ट्रुअल ब्लड इनसाइड रादर देन कीपिंग अ पैड आउटसाइड। टैम्पॉन जो है अंदर ही अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोक करता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उसको टाइम टू टाइम चेंज करना है और उसको किसी भी हालत में भूलना नहीं है, क्योंकि अगर टैम्पॉन अंदर रह जाता है तो उससे कभी कभी एक बहुत सीरियस कंडीशन जिसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं हो सकती है। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि टैम्पॉन आपको बार बार चेंज करना, उसको भूलना नहीं है। Nowadays we are actually talking a lot about menstrual cup. So menstrual cup kya hota hai, it is actually a bell shaped silicone device jo ki aap vagina mein insert karte hain, and instead of soaking the menstrual blood it actually collects the blood, mane ki jo menstrual blood hai jo ki uterus se nikal raha hai wo cup ke andar collect ho jata hai. Isme bhi aapko time to time मेंस्ट्रुअल कप को बाहर निकालना है, उसको खाली करना है, उसको वापस अंदर लगा लेना है। सो बहुत आसान होता है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, इनफैक्ट हमारा जो चैनल है मैत्री पे, उस पर भी मेंस्ट्रुअल कप को लेके आई थिंक दो वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में बताया है। तो मेंस्ट्रुअल कप के फ़ायदे क्या होते हैं, नंबर वन इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्या आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल पैड जो सैनिटरी पैड या टैम्पॉन को कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट में कितने साल लगते हैं, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। जस्ट थिंक ऑफ इट, 500 साल लगते हैं एक पैड को कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट होने पे। तो यहाँ जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं उसके अंदर ना आपका कप यूज़ तो यहाँ जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं उसके अंदर ना आपका पैड यूज़ हो रहा है, ना आपको टैम्पॉन यूज़ हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरी बात, इट इज़ फ्रेंडली फॉर अ पर्सन, आपको कोई पैड नहीं लगाना है, आपको कोई रैशेज नहीं हो रहे हैं, और सबसे तीसरी जो बहुत ही क्या कहें इकोनॉमिकल बात है कि मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप सबसे अच्छी से अच्छी कंपनी का भी मेंस्ट्रुअल कप लेते हैं तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपये का आ जाता है, एंड अगर आप इस और वो और जो ये मेंस्ट्रुअल कप है ऑलमोस्ट 6-7 साल तक चलता है। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है बिटवीन अ पैड एंड अ टैम्पॉन वर्सेस अ मेंस्ट्रुअल कप, तो किसी भी हालत में मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप उससे कंफर्टेबल हैं नहीं। सो जस्ट बिकॉज डॉक्टर अंजलि कह रही हैं या जस्ट बिकॉज आपकी फ्रेंड बोल रही हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप देखिए कि आपको किस में कंफर्टेबल लगता है। आई नो देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन जो कि
जिनको टैम्पॉन अंदर डालने में मुश्किल होती है, जिनको मेंस्ट्रुअल कप अंदर डालने में मुश्किल होती है. सो आप अपने लिए देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है एंड जस्ट गो अराउंड विद दैट. क्या आपकी वर्जिनिटी टैम्पॉन या हाइमन डालने से तो नहीं टूट जाएगी? सो टैम्पॉन तो बहुत ही पतला होता है, हार्डली उसका जो डायमीटर होगा शायद 2 या 3 सेंटीमीटर्स होता है, इट्स लाइक अ सिलेंडर, तो आप आसानी से अंदर डाल सकते हैं. मेंस्ट्रुअल कप जो है 3 साइज़ में आता है. एक तो होता है फॉर दोज वुमेन जिनका कभी भी कोई इंटरकोर्स नहीं होता, जिसको हम स्मॉल साइज़ बोलते हैं. एक मीडियम साइज़ होता है, इट इज़ मेंट फॉर दोज वुमेन जिनका इंटरकोर्स हुआ है लेकिन अभी तक कोई वजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है. फिर एक लार्ज साइज़ होता है, इट इज़ मेंट फॉर दोज वुमेन जिनकी डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हुई है. तो अगर आप अभी आपकी आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप एक स्मॉल साइज मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकती हैं. ऐसा हो सकता है अगर किसी का हाइमन टाइट है, देयर कुड बी स्मॉल ब्रेकेज ऑफ दैट हाइमन विद द इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप. सो माय एडवाइस हियर वुड बी, इफ यू आर टू वरीड अबाउट योर हाइमन, प्लीज डू नॉट यूज इट. बट ऑलवेज रिमेंबर, हाइमन होना या ना होना, उसको हमें वर्जिनिटी से कभी भी इक्वेट नहीं करना है. जब आपकी खुद की हेल्थ की बारी आती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही सोर्स से उस इंफॉर्मेशन को लें. ये पहले ढूंढें कि क्या इस ये जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो क्रेडिबल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं. मैत्री जब हम लोग ने शुरू किया था तो ये हमारा प्रयास था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हम एक वुमेंस हेल्थ से जुड़ी हर बात बिल्कुल सही और मेडिकली करेक्ट और मेडिकली ऑथेंटिक मैनर में लोगों को उनकी भाषा में समझाएं. तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जोश आशा पे भी जा सकते हो मेडिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्रेडिबल सोर्स को जब आपकी हेल्थ की बारी आती है उसे चुनें.